आज हम खड़े हैं महिंद्रा थार के सामने। जैसा कि आप देख सकते हैं महिंद्रा थार, ये नई लाइट, ये ग्रिल ब्लैक कलर में अब हम देख रहे हैं। ये हॉर्नर, आइए साइड पे चलते हैं। व्हील अलॉय व्हील इसमें आते हैं। इनकी बैजिंग ना, दो सौ 20 mm है शायद ग्राउंड क्लियरेंस थार की, है ना। एक ऐसे छोटा सा रिव्यू दे रहा हूँ आपको। ये रियर व्यू को चलते हैं। स्पेयर व्हील हाइट बहुत है गाड़ी की, सभी आप देख सकते हैं हाइट बहुत है गाड़ी की। मैं छोटा सा रिव्यू दे रहा हूँ मैं आपको। थार की बैजिंग, ये साइड स्टेप गाड़ी पर चढ़ने के लिए। आइए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं। मज़ेदार बैठने के हिसाब से अच्छी है, उसके हिसाब से मज़ेदार है। ऑफ रोडिंग के लिए ऊंचाई बहुत है गाड़ी की। ये इसकी टच स्क्रीन, आइए ड्राइवर साइड बैठ कर दिखाता हूँ आपको। ड्राइवर साइड चलते हैं। आइए मैं ड्राइवर साइड चलते हैं। ORVM थार, बहुत ऊंची गाड़ी है ये, 220 mm ग्राउंड क्लियरेंस है। ये लाइट है, ये पीछे की सीट्स हैं, ये इसका स्टेयरिंग है, मैनुअल ट्रांसमिशन है। सके आप देख सकते हैं ये AC कंट्रोल्स हैं। ये टॉप मॉडल है थार का, बस मैनुअल वेरिएंट में है गाड़ी। थार में आप देखते ना अलग ही फीलिंग आती है आपको। थार में जैसे देख सकते हैं साफ साफ बोनेट दिखता है साफ से। अगर आपकी हाइट बहुत कम भी है ना, 5 VR आपकी हाइट, तो भी आपको पूरा बोनेट दिखेगा। बहुत ही ज़्यादा ऊंची गाड़ी है ये, बहुत ही ज़्यादा ऊंची गाड़ी है। ये कप होल्डर, ये विंडो का कंट्रोल। इसमें स्टार्ट इंजन स्टॉप नहीं आता है, बता रहा हूँ आपको, स्टार्ट इंजन स्टॉप नहीं आता। महिंद्रा का लोगो, अब शायद महिंद्रा का लोगो चेंज हो गया है, XUV700 जो आ रही है वो लोगो चेंज है। ये IRVM है, तो अभी मैं ज़्यादा पूरा स्टार्ट तो कर नहीं पाऊँगा गाड़ी को। कैसा लगा आपको ये रिव्यू, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। यस, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने थार कही थी, मैं आपके लिए थार का रिव्यू लाया हूँ, महिंद्रा थार। गाड़ी काफ़ी अच्छी है ऑफ रोडिंग के हिसाब से, या फिर ये फैमिली कार भी आप इसको बना सकते हैं अगर आपको थार का शौक है तो। कई ऐसी इवेंट्स पीछे इवेंट्स नहीं आते। तो कैसा लगा आपको थार का रिव्यू, कोई कमी रह गई हो तो भी बता दीजिए। बाकी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।